हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत रावल सी प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखेंगे, बाद में इसका एल्गोरिदम और लास्ट में हम सी के अंदर इसका प्रोग्राम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप उसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए, जिसका एड्रेस है www.spcng.blogspot.com। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ये सब एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, इसको सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम से। सबसे पहले मैं एक टेबल के अंदर इसको लिख देता हूं। दोस्तों, सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और बाकी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे जो एलिमेंट सिलेक्ट किया है उसके नीचे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट और ये सिलेक्ट किया हुआ एलिमेंट दोनों को स्वैप करेंगे। कंडीशन ये भी है कि जो एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो मैं यहां पर 70 और 10 दोनों में स्वैपिंग करूंगा। ओके, तो मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा 70 10 की जगह पे जाएगा, 10 70 की जगह पे जाएगा। ओके, तो यहां पर 10 यहां पे आएगा और 70 10 की जगह पे आ जाएगा। ओके, तो ये सेकंड पास हुआ। दोस्तों, अब मुझे सेकंड एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। अब सेकंड एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, सेकंड एलिमेंट मेरा 30 है। अब यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट मैं सिलेक्ट करूंगा, लेकिन जो एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं सबसे छोटा, वो एलिमेंट भी हमारे सिलेक्ट किए हुए एलिमेंट से भी छोटा होना चाहिए, यानी कि 30 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर हम सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं 20। तो 20 30 से छोटा है, कंपेयर करते हैं इसको, तो इन दोनों में स्वैपिंग होगा। तो 30 20 की जगह पे आएगा और 20 30 की जगह पे जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले अपना। ओके, तो 10 और 20 आ गया और 30 यहां पे चला गया। अब मैं तीसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा। तो यहां पे दोस्तों देखो, पास वन में हमने फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया था, पास टू में हम सेकंड एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, पास थ्री में हम थर्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो पास फोर में हम फोर्थ एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पास फाइव में इस तरीके से वो फिफ्थ एलिमेंट सिलेक्ट होगा। इस वजह से एलिमेंट सिलेक्ट होता जाएंगे, जो भी हमारा पास नंबर होगा वही एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें कितने पासिस तक ये देखना है। तो दोस्तों, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनमें से माइनस एक कर दो, यानी माइनस वन करो, तो उतने पासिस होंगे, यानी कि यहाँ पे नौ एलिमेंट है तो टोटल पासिस आठ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 70 30 में स्वैपिंग होगा और आंसर मिलेगा, पास फोर में हम 80 को सिलेक्ट करेंगे और 80 40 में स्वैपिंग होगा, फिर पास फाइव में 80 को सिलेक्ट करेंगे, 80 50 में स्वैपिंग होगा, फिर वापस पास सिक्स के अंदर हम 80 को सिलेक्ट करेंगे और 60 और 80 में स्वैपिंग होगा, तो वहां पे ये सॉर्ट हो जाएगा। अब यहां पर पास सेवन के अंदर हम सेवन एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो 70 है, लेकिन इसके नीचे कोई भी एलिमेंट जो हम छोटा सिलेक्ट करते हैं, 80 सबसे छोटा एलिमेंट इसके नीचे, लेकिन वो 70 से छोटा नहीं है, तो दोनों में स्वैपिंग नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ये सिंपल सी लॉजिक सी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर 70 अपनी जगह ही पे रहेगा, वहां पे कोई स्वैपिंग नहीं होगा, पास हो जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट पास के अंदर हमें वही सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा और नेक्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहां पर हम 8 एलिमेंट 90 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 80 और 90 दोनों के बीच स्वैपिंग होगा, तो 80 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे जाएगा, तो मुझे आंसर मिलेगा लास्ट में वो सॉर्टेड एलिमेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एल्गोरिदम था सिलेक्शन सॉर्ट का, इससे मैं हम इस तरीके से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी एल्गोरिदम है दोस्तों। तो अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। तो दोस्तों, हमने एग्जांपल में देखा कि हम नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं उनमें से एक माइनस वन कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ नौ एलिमेंट है तो हम कितने पासिस करते थे, माइनस वन, यानी कि आठ पासिस करते थे। उस हिसाब से मुझे एल्गोरिदम बनाना है, तो हम प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पे एल्गोरिदम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर लूप लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फॉर लूप लेता हूँ, आई इज इक्वल टू जीरो से अप टू एन माइनस टू तक जाऊंगा। दोस्तों, हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन से अप टू एन माइनस वन भी कर सकते हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है एरे के अंदर, तो मैं यहाँ पर जीरो से शुरुआत करूंगा और एन माइनस टू तक जाऊंगा। इसके बाद आई को, यानी कि जो सबसे पहला एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं उसी को मैं मिनिमम एलिमेंट मान के चलूंगा, वो
उसी को ये एज्यूम करना है अभी दोस्तों, उसके बाद हम इसमें स्वैपिंग करेंगे। तो जो भी यहाँ पे जीरो एलिमेंट था, जीरो इंडेक्स नंबर था आई के अंदर, उसी को मैं मिनिमम इंडेक्स नंबर मान के चलूंगा, वो मिनिमम एलिमेंट है मेरा, ये एज्यूम किया है हमने अभी। अब सेकंड हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स में से हमें सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है, ढूंढ के निकालना है और उसको कंपेयर करना है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। उसके लिए हम ये फॉर लूप लेंगे, जहां पर ये i की वैल्यू है उसको छोड़ के हम उसके बाद से शुरुआत करेंगे, यानी कि i प्लस वन से शुरुआत करेंगे और n माइनस वन तक जाएंगे। अगर हमने यहां पर n माइनस वन लिया होता दोस्तों फर्स्ट आउटर लूप के अंदर, तो हम यहाँ पे n लेते, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहां पर हमें मिनिमम इंडेक्स नंबर वाला, सॉरी मिनिमम एलिमेंट की जिसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे इस फॉर लूप के अंदर। दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा एरे होगा ए, वहां पर हम कंपेयर करेंगे मिनिमम के साथ जो हमने पहले एग्ज्यूम किया था, ओके, सिलेक्ट किया था एलिमेंट उसके अंदर, अगर वो लेस देन है तो हम उसको मिनिमम मान के चलेंगे, यानी कि मिनिमम इज इक्वल टू जे कर देंगे, यानी कि उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू मिनिमम में चली जाएगी। यहां पर दोस्तों एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें, उसका उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम ये इंडेक्स नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इसी इंडेक्स नंबर के ऊपर से ही तो दोनों एलिमेंट के बीच में स्वैपिंग करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर ये अगर जब मुझे ये मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा, तब सिलेक्ट किया हुआ एलिमेंट और ये मिनिमम एलिमेंट दोनों में हम स्वैपिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्वैपिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो था सिलेक्ट किया हुआ जो आई इंडेक्स था, ओके, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टाइम वेरिएबल लेते हैं स्वैपिंग के लिए। तो मैं ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ मिनिमम कर दूंगा, ए ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर दूंगा, तो क्या होगा, दोनों में स्वैपिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। तो फ्रेंड्स अब अपना प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये अपना सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम, सॉरी प्रोग्राम है, हम इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स एंटर साइज ऑफ एन एरे, तो मैं यहां पे नौ एलिमेंट मुझे इंसर्ट करने, तो मैं इसके अंदर नौ एलिमेंट इंसर्ट करता हूं। एंटर एन एलिमेंट एट द जीरो, 70, 30, 10, 80, 40, 50, 20, 90, 60। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा रिजल्ट है 8 पासेस के अंदर जो मुझे मिल रहा है, वही रिजल्ट हमें यहां पे मिलेगा, ये सब एलिमेंट्स है। तो यहां पे देखो 70 जो था उसका स्वैपिंग होगा 10 के साथ, तो यहां पे रिजल्ट मिलेगा मुझे पास वन के अंदर, ये 10 आ गया और यहां पे 70 आ गया फ्रेंड्स। अब सेकेंड एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, 30 को सिलेक्ट करेंगे और इसका स्वैपिंग होगा 20 के साथ, तो यहाँ पे पास टू के अंदर मुझे 20 मिलेगा और यहाँ पे 30 मिलेगा, तो लास्ट मुझे आंसर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से टोटल 8 पासेस के अंदर मुझे आंसर ये मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब अपना प्रोग्राम देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने क्या किया है, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर ए को मेन फंक्शन के ऊपर, यहां पर जिससे प्रोग्राम बनाने में आसानी हो जाए फ्रेंड्स। यहां पर ये मेरा मेन फंक्शन है जिसके अंदर मैं एरे को क्रिएट करता हूं, ओके, और डिस्प्ले और सिलेक्शन सॉर्ट के फंक्शन को कॉल करवाता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिस्प्ले फंक्शन देखते हैं, डिस्प्ले फंक्शन जो भी नंबर ऑफ हम डिस्प्ले करवाएंगे एलिमेंट्स को, सिर्फ उतना ही काम करेगा इसमें, इसके अंदर सिर्फ एक फॉर लूप होती है जो उसे प्रिंट करने का काम करेगी एरे के अंदर से, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपना सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम देखते हैं। तो ये है मेरा सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन दोस्तों, जो हमने एल्गोरिदम में किया है वही यहां पर हमने बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर जो फॉर लूप हमने आई इक्वल जीरो से लेके एन माइनस टू तक जाना है, तो यहां पे मैं लेजर इक्वल टू करके n-2 यहां पे कर सकता हूं, ओके, लेकिन मैं
लेस देन लिखने का आदि हूं तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू को निकाल देता हूँ और एन माइनस वन लिखूंगा, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। वही सेम टू सेम एल्गोरिदम है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर लूप ली है एन माइनस वन टू तक जाने के लिए, ओके जो फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके अंदर हम आई की इंडेक्स को मिनिमम मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे जो हमने एल्गोरिदम किया था। उसके बाद ये सेकंड इनर लूप है, ये इनर लूप मिनिमम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेगी, मिनिमम वैल्यू वाला, ओके तो वो इस इंडेक्स नंबर को हमें मिनिमम में स्टोर करना है, तो वो हमने यहाँ पे किया है जो एल्गोरिदम में भी किया था। और इस इनर लूप के बाहर हम इसका स्वैपिंग करेंगे इसके अंदर, ओके तो ये जो स्वैपिंग होगा ठीक है, हम उसको वापस यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे, ओके तो ये मेरा डिस्प्ले फंक्शन है, यहाँ पर भी कॉल हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा रन करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम 5 लेते हैं और इसके अंदर मैं एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूंगा 5 4 3 2 1। यहाँ पे सबसे मिनिमम 5 अभी फर्स्ट सिलेक्टेड एलिमेंट 5 है, इसका स्वैपिंग होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकंड 4 सिलेक्ट होगा और उसका 2 के साथ आंसर आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4 चला जाएगा। 3 के नीचे कोई एलिमेंट होगा नहीं इससे मिनिमम, तो इसका स्वैपिंग नहीं होगा किसी के साथ, वो सेम टू सेम रहेगा। फिर उसके बाद हम 4 को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद भी कोई नीचे मिनिमम एलिमेंट नहीं है, तो मुझे लास्ट पास 4 में आंसर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर सॉर्टेड अगर ये एरे है तब भी इसके अंदर मिनिमम जितने पासेस होने हैं उतने ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर सॉर्टेड एलिमेंट है 5 तो उसके अंदर 4 पासेस होंगे ही, ठीक है, उससे कम पासेस के अंदर आंसर नहीं मिलेगा। थोड़ा बबल सॉर्ट से ये एल्गोरिदम थोड़ा लेंदी है एंड ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा बबल सॉर्ट से, ठीक है, लेकिन इजी है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में टाइप कीजिए।